सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 79। एक आयत बनाओ जिसका कर्ण ए और एक भुजा बी दी हुई है। तो हमें एक कर्ण दे रखा है, एक भुजा दे रखी है। हमने एक कर्ण पहले हम ले लेते हैं ए, ये हमने कर्ण ले लिया है ए, और एक हम भुजा ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमने भुजा ले ली है बी। जितना हमारा कर्ण है इतनी प्रकार खोलनी हमने, या हम इतना नाप करके यहाँ से फुट्टे से हम नाप लेते हैं। ये हमारा है 7.5 सेंटीमीटर रेखा है, तो हमने 7.5 सेंटीमीटर रेखा लेनी है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लेंगे 7.5 सेंटीमीटर रेखा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने कर्ण ले लिया है, इसका नाम हम दे देते हैं ए सी। हमने क्या करना है, इस कर्ण का हमने समद्विभाजन करना है, मतलब समान दो भागों में इसको बांट देना है हमने। तो हम यहाँ पे डॉटेड लाइन चाप लगाएंगे यहाँ से सी से, और हमने ए से भी जो है वो चाप लगानी है यहाँ पे। ये थोड़ी हमारी चाप कम रहेगी तो हम इसको बढ़ा देते हैं चाप को इस तरह से। ए पॉइंट पर प्रकार करके हम दूसरी चाप लगाएंगे इस तरह से। कैसे हम इसको मिला देते हैं, अब ये चाप जो रेखा है समद्विभाजन वाली जहां पे एसी कर्ण को काट रही है, ये पॉइंट हमारा है ओ। हमने ओ पॉइंट पर प्रकार करना है, और ए जितनी या सी जितनी हमने प्रकार खोलनी है, और यहां से हमने एक वृत्त लगा देना है। इस तरह से हम यहां से एक वृत्त लगाएंगे। ये हमारा वृत्त पूरा हो गया है। हमने बी जो आपकी रेखा है इतनी प्रकार खोलनी है, और हमने सी से डी काट देना है जहाँ पे कट रहा है, इसका नाम हम दे देंगे डी। और इधर हम जो है वो ए से काट देंगे, इसका नाम हम दे देंगे यहाँ पे बी। हमने क्या करना है, ए बी को मिला दो और डी सी को आपस में डाल के मिला दो, और आपने डी ए को मिला दो और ए सी और बी को डाल के मिला दो। ये हमारा जो है वो आयत बन के तैयार हो गई है। ये प्रश्न नंबर है 79, ये बन के तैयार। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 80। एक चतुर्भुज बनाओ जिसका कर्ण ए सी और दो भुजाएं ए बी दी है। तो हमने तीन चीजें दे रखी है। सबसे पहले हमने कर्ण लेना है ए सी, तो हम एक कर्ण ले लेते हैं ए सी। हमने कर्ण ले लिया ए सी, इसका नाम हम दे देंगे ए और सी। और एक हमने लेना है इसमें भुजा दो हम लेंगे, तो एक भुजा हम ले लेते हैं बी। ये भुजा है हमारी बी, एक भुजा हम लेंगे ए, ये भुजा हमारी है ए। हम क्या करेंगे इसमें, हमने जितना आपका बी है इतनी प्रकार खोलनी है यहां से, और हमने जो है वो सी पॉइंट प्रकार रखनी है, और ऊपर को इस तरह हम यहाँ से ऐसे चाप लगा देंगे, और
ए पॉइंट पर प्रकार करके हम इतनी प्रकार खोल के ऐसे नीचे को चाप लगा देंगे। उसके बाद हमने जितना आपका ए है इतनी प्रकार खोलनी है, और हमने सी से नीचे जो हमने चाप लगाई थी इसको इस तरह से काट देंगे, और ए से हमने जो ऊपर को पहले चाप लगाई थी इसको काट देंगे। जहाँ ये चापें कट रही हैं, ये पॉइंट आपका आ गया डी, ये आपका पॉइंट आ गया बी। हमने क्या करना है, ए बी को मिला दो और सी डी को मिला दो और डी ए को मिला दो, और यहाँ पे ये आपका है सी बी, सी बी को मिला। इस तरह से ये हमारा जो प्रश्न है 80 बन के तैयार हो गया। ये आपकी भुजा ए है, ये भुजा आपकी ए है, ये भुजा आपकी बी है, ये भुजा आपकी बी है, और जो ये आपका हमने सी कर्ण लिया था ये 8 सेंटीमीटर की लंबी लायक रेखा थी, तो ये हम जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं इसको। ये आपकी जो है रेखा है यहाँ, अब हम इसको कैपिटल कर देते हैं ए सी को, ये हमारा स्मॉल है ए सी। इसके समानांतर हमने इसके बराबर ही हमने यहाँ पे रेखा ली है। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न बनके तैयार।